पीएम मोदी का अधूरा सपना होगा पूरा, नितिन गडकरी करेंगे सबसे बड़ा काम। 2024 के लिए गडकरी ने बनाया खास प्लान। मोदी के गुजरात में गडकरी का ऐलान, 2024 से पहले अमेरिका से आगे होगा हिंदुस्तान। गडकरी जो कहते हैं वो कर देते हैं। 2024 से पहले गडकरी अब वो कर दिखाएंगे जो हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हो पाया। पीएम मोदी भी करेंगे गडकरी को सलाम। 2024 में पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। पूरा विपक्ष मोदी को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है, तो पीएम मोदी भी विपक्ष के हर दाव पर नया दाव चल रहे हैं। अभी चुनावों में 10 महीने का वक्त बचा है और 10 महीने बाद देश का मिजाज क्या होगा ये वक्त तय करेगा। लेकिन अब नितिन गडकरी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद पूरे विपक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है और माना जा रहा है कि 2024 में बीजेपी सत्ता में फिर आएगी और पीएम मोदी हैट्रिक लगाएंगे। नितिन गडकरी ने 2024 से पहले जो टारगेट बनाया है उसको देखकर मोदी भी सलाम करने लगेंगे। और तो और विपक्ष चाहकर भी इस काम के लिए नितिन गडकरी को टारगेट नहीं कर पाएगा। नितिन गडकरी ने क्या ऐलान किया है और कौन सा खास प्लान तैयार किया है, इस 2 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। दरअसल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जब सत्ता संभाली थी तो उनका सपना था कि एक दिन पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजे। पीएम मोदी ने जो सपना देखा था जो पूरा हो भी गया है। पीएम मोदी को कई देश दुनिया का सबसे ताकतवर नेता भी मान रहे हैं। 2024 में मोदी ने एक सपना और देखा था, वो सपना था 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का। ये सपना अभी अधूरा है लेकिन 2024 से पहले मोदी का ये सपना भी पूरा हो जाएगा क्योंकि इसके लिए अब नितिन गडकरी बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। दरअसल 2 जून को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुजरात के बड़ोदरा शहर के पास एक जनसभा को संबोधित किया। इस सभा में गडकरी ने कहा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2024 खत्म होने से पहले देश भर के सभी राजमार्ग अमेरिका की सड़कों की तरह होंगे। यानी गडकरी का कहना था कि पीएम मोदी ने 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का जो सपना देखा है उसके लिए अच्छे राजमार्ग होना बेहद जरूरी है। नितिन गडकरी जब से सड़क परिवहन मंत्री बने हैं तब से उनके राज्य में देश में कई अच्छे हाईवे बन चुके हैं। कुछ लोग तो गडकरी के काम को इतना पसंद करते हैं कि उनको पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं और कहते हैं कि एक दिन गडकरी जरूर देश के पीएम बनेंगे। गडकरी के राज्य में अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, आधा हाईवे बनकर तैयार है और आधे का काम अगले 6 महीने में पूरा कर दिया जाएगा। इसके अलावा सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, राजस्थान गुजरात एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। ये सभी राजमार्ग 2024 से पहले बनकर तैयार हो जाएंगे। नितिन गडकरी गुजरात में सूरत अहमदाबाद एक्सप्रेसवे के पास डूमर जंक्शन पर 48 करोड़ की लागत से बने फ्लाईओवर, अंडरपास और सर्विस रोड का उद्घाटन करने आए थे। इस उद्घाटन के बाद नितिन गडकरी ने एक और बात कही जो बताता है कि 2024 में पीएम मोदी सत्ता में लौटेंगे। उन्होंने कहा कि आप देश में कहीं भी जाइए आपको अच्छी गुणवत्ता वाले राष्ट्रीय राजमार्ग मिलेंगे। हमारा देश बदल रहा है, भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना हमारे पीएम का सपना है जो अपने गरीब और जरूरतमंद नागरिकों की देखभाल करता है। एक बात पूरा देश अच्छी तरह से जानता है और वो है कि गडकरी जो कहते हैं उसे करते हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए गडकरी का एक कदम बीजेपी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसे में आप नितिन गडकरी के द्वारा किए जा रहे कार्यों से कितना खुश हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और खबर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।